ब्रिटेन की थेरेसा में सरकार ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों के दौरान लड़ने वाले सिख सैनिकों के बलिदान और योगदान को सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय स्मारक को समर्थन और कोष उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है। विश्व युद्धों के दौरान 83,000 से अधिक सिख सैनिकों ने अपनी जान दी थी और 1,00,000 से अधिक सैनिक घायल हुए थे। ब्रिटेन के समुदाय मंत्री साजिद जावेद ने लंदन में नए स्मारक के प्रस्ताव को सरकार के समर्थन की घोषणा की। उन्होंने कहा, हम उन सभी सैनिकों के ऋणी हैं जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए ब्रिटिश फौज के साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ाइयां लड़ी। हमारी राष्ट्रीय राजधानी में ये सिख युद्ध स्मारक उनके बलिदान को सम्मान देगा। ये स्मारक इस बात का प्रतीक भी होगा कि हमारा साझा इतिहास कभी नहीं भुलाया गया। ब्रिटिश संसदीय इतिहास में पहले पगड़ीधारी सिख सांसद तनमन जीत सिंह धेसी के नेतृत्व में सिख युद्ध स्मारक के लिए अभियान चलाया गया था, जिसके बाद स्मारक बनाने की योजना को समर्थन मिला। भारत के बाहर शहीदों को मिला सम्मान, ये सभी के लिए गर्व की बात है। हम हमारे देश में तो शहीदों को सर्वोच्च सम्मान देते ही हैं, क्योंकि देश के लिए मर मिटने वाले अमर हो जाते हैं। ऐसे में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए शहीदों की स्मृति में ब्रिटेन में बना हुआ स्मारक भारत के बहादुरों के लिए गर्व की बात होगी। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।